Hello students, today's topic is Apparition of Trigonometry, exercise 9.1, question number 5th. Question number 5th is, a kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degrees. Find the length of the string, comma, assuming that there is no slack in the string. क्या है कि एक kite को हम उड़ा रहे हैं, जिसकी जो कितनी height पे है, 60 meter की height पे है वो, और कहता है, और उसको उस string को एक string क्या है, उसको string को हमने क्या किया, जमीन पे एक point के साथ उसको एक जमीन पे उसको एक खूंटी है उसके सामने बांधा गया है, टाइटली से बांधा है। यहाँ जो काइट उड़ाई जा रही है वो 60 मीटर की हाइट पे उड़ाई जा रही है। ये जो काइट है इसकी जो हाइट है वो कितनी दी हुई है हमें, 60 मीटर। ओके, ये आ गई 60 मीटर। तो उसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द, ये 60 मीटर आ गया, और जो एंगल बन रहा है, एंगल कितनी डिग्री बन रहा है, एंगल बन रहा है 60 डिग्री। और जो उसने कहा कि जो इसकी लेंथ है ना, ये लेंथ फाइंड करनी है हमें, और कहता है कि इसमें कोई स्लैक मतलब कोई भी गांठ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका नाम देंगे ए बी सी, ए बी सी। तो ये ए बी सी दिया, इसका रखा हमने राइट एंगल। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम लेट एक्स, इसको मैं एक्स देता हूं, मीटर बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, दैट इज ए सी इक्वल्स टू एक्स मीटर, दैट इज ए सी इक्वल्स टू एक्स मीटर। अब क्या लेंगे हम, साथ में यहां पे लिख देंगे हेयर, हमारे पास जो ए बी है वो कितना दिया हुआ है, 60 मीटर, एंड ए बी कितना दिया है 60 मीटर, एंड ए सी कितना दिया है हमें निकालना है, ए सी हमें निकालना है, और एंगल दिया हमें ए सी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ क्या लेते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, ए बी सी कॉमा बी हैव, हमें फाइंड क्या करना है, ए सी, तो ये क्या आ गया ए सी, और गिवन क्या हमारे पास, ए बी, ए सी अपॉन ए बी क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू आता है कोसेक 60 डिग्री, राइट, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या आता है कोसेक थीटा, थीटा क्या है यहां पे 60 डिग्री। अब यहां पे क्या आएगा, ए सी, ए सी इक्वल टू क्या आएगा एक्स, और ए बी कितना दिया है 60, और कोसेक 60, कोसेक 60 आता है 2/√3। तो यहां पे क्या करेंगे हम, इसको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन व्हिच इंप्लाइज एक्स इक्वल टू, यहां पे क्या जाएगा 2/√3 इनटू 60, और ये एक्स इक्वल कितना आ गया 120/√3, अपॉन में रूट थ्री है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने, तो क्या है अपॉन में रूट थ्री है, तो रैशनलाइज करो रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, एक्स इज कितना आ जाएगा 120/√3 अपॉन रूट रूट कट गया, थ्री और थ्री कितना आ जाएगा, और पता है जैसे रूट ए इंटू रूट ए इक्वल टू थ्री, अब ठीक क्या आएगा 3 × 3 थ्री फोर जेट का, ठीक है मतलब 340 है 120, एक्स कितना आ गया 40√3, क्या हमें रूट थ्री की वैल्यू दी हुई है, रूट थ्री की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम यही लिखेंगे एक्स इक्वल टू 40√3 मीटर। दस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।